सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A31, सैमसंग गैलेक्सी A51, सैमसंग गैलेक्सी M21 और सैमसंग गैलेक्सी M31 के बारे में। तो अगर आप लोग कोई सैमसंग का स्मार्टफोन लेने का सोच रहे थे तो आज मैं आप लोगों को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा और आप लोगों को कुछ अच्छे स्मार्टफोन सजेस्ट करूंगा जो कि आप लोगों को यहाँ पर बाय करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि सैमसंग गैलेक्सी A31 इंडिया के अंदर 4 जून को लॉन्च हुआ और अभी उसके बाद बहुत सारे लोग उस स्मार्टफोन को बाय करने का सोच रहे हैं। तो क्या आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A31 बाय करना चाहिए 22,000 रुपीस में या फिर आपको लगभग 24,000 रुपीस में सैमसंग गैलेक्सी A51 को बाय करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी A31 स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन ख़राब नहीं है, ये स्मार्टफोन अच्छा है, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग सैमसंग ने यहाँ पर रखा है वो ओवर प्राइस है। अगर आपको पैसे का कोई टेंशन नहीं है, अगर आप 22,000 रुपये में वो स्मार्टफोन को लेने का सोच रहे थे और अगर आपको मन है कि हम लोग उस स्मार्टफोन को बाय करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग उस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को कोई भी शिकायत यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोग 22,000 रुपये सैमसंग गैलेक्सी A31 के लिए लगा रहे हैं तो उससे अच्छा आप और 2,000 रुपये ऐड कीजिए और सैमसंग का A51 स्मार्टफोन बाय कर लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग उसे सैमसंग के A31 और अगर A51 के बीच में कंपेयर करेंगे तो कैमरा और डिस्प्ले इन सब मामलों में सैमसंग गैलेक्सी A51 आगे यहाँ पर निकल के चला जाता है और सैमसंग गैलेक्सी A51 मेरे ख्याल से काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो इसीलिए अगर आप लोग सैमसंग का A31 लेने का सोच रहे थे तो आप लोग डेफिनेटली उस स्मार्टफोन को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब आता है सैमसंग का ए सीरीज और सैमसंग का एम सीरीज, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A31, A51 और एम सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी M21 और A31 कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आप लोग ऑन पेपर स्पेस देखेंगे तो आपको इन सभी स्मार्टफोन का जो स्पेस है ना वो मतलब सिमिलर लगने लगेगा देखने को, क्योंकि डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कैमरा का सेटअप सेम है, इन सभी में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सैमसंग का एम सीरीज में दो आपको कमी देखने को मिलेगा। एक तो सैमसंग का जो एम सीरीज का डिज़ाइन है वो सैमसंग के ए सीरीज से बहुत ज़्यादा पीछे है और बहुत ज़्यादा मतलब नया नहीं है। उसमें आपको सैमसंग का ए सीरीज का डिज़ाइन आपको देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, जबकि सैमसंग का एम सीरीज का डिज़ाइन में भी आपको ग्लैसे मतलब फिनिश देखने को मिल रहा है, चमकीला डिज़ाइन है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना सैमसंग का ए सीरीज का स्मार्टफोन यानी कि A31 और A51 देखने में लगता है। तो अगर आपको डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा चाहिए तो मैं बोलूँगा कि आपको सैमसंग का ए सीरीज की तरफ जाना चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज में आप लोगों को एक यहाँ पर एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको कम पैसे में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिल रहा है, यानी कि जो स्मार्टफोन आपको सैमसंग का ए सीरीज में 25,000 का मिल रहा है सेम वही स्मार्टफोन आपको सैमसंग के एम सीरीज में लगभग 14,000 रुपीस में मिलता है। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सैमसंग के एम सीरीज में अभी भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, जिस तरह से आप लोगों को नॉक सिक्योरिटी सैमसंग के एम सीरीज में नहीं मिलता है। साथ में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन वो पुराना टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर आपको सैमसंग के एम सीरीज में नहीं मिलता है। आपको सैमसंग के एम सीरीज में पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, जबकि आपको A51 में पंच होल डिस्प्ले मिलता है, लेकिन एम सीरीज में आपको बड़ी बैटरी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो बातें मैंने आप लोगों को बताया आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्मार्टफोन को डन कीजिएगा, क्योंकि देखिए पैसा आपका है, आप बाय करेंगे तो आप देखिए कि आपका नीड क्या है, आप किस चीज़ के लिए उस स्मार्टफोन को बाय करेंगे, आपको उस स्मार्टफोन के साथ क्या करना है, आपको सिर्फ कैमरा यूज़ करना है या फिर आपको एक अच्छा बैटरी लाइफ चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग गैलेक्सी A31 ना लेके आप सैमसंग गैलेक्सी A51 स्मार्टफोन बाय कीजिए। और अगर आपको सैमसंग का एम सीरीज लेना है तो मेरे ख्याल से सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज में M21 A31 से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल में पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।